न्यूज टुनाइट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हवाई सफर करने के लिए अब आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी होगी। देश की दो बड़ी एयरलाइंस ने अपने किराए में 50 से 500 रुपए की बढ़ोतरी की है। एयर इंडिया और जेट एयरवेज ने पीक सीजन को देखते हुए घरेलू उड़ानों पर अपने किराए बढ़ा दिए हैं। बढ़े हुए किराए 10 सितम्बर से लागू होंगे। सस्ती एयरलाइंस में उड़ान भरने की चाहत रखने वालों को झटका लगा है। एयर इंडिया और जेट एयरवेज ने अपने किराए बढ़ाने की घोषणा की है। जेट एयरवेज ने 200 से 500 रुपए बढ़ाए हैं, जबकि इंडियन एयरलाइंस ने अपने किराए में 45 रुपए से 450 रुपए की वृद्धि की है। किराया बढ़ाने की कवायद सिर्फ घरेलू उड़ानों के लिए है। जानकारों के मुताबिक कंपनियों की ये बढ़ोतरी आने वाले पीक सीजन में टिकटों की बढ़ती मांग को देखते हुए है। में हमेशा एक ही लॉ चलता है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। आपको अगर आपकी सप्लाई ज्यादा है तो आपकी जो प्राइसेस है वो नीचे रहेंगी। अगर आपकी सप्लाई में कमी है और डिमांड ज़्यादा है तो ये स्वाभाविक है कि आपकी कीमतें बढ़ेंगी बढ़ेंगी। तो पीक सीजन में क्या होता है कि सप्लाई तो एकदम भर नहीं सकती एयरलाइंस की, तो किराए नेचुरली बढ़ते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस के चेयरमैन विजय माल्या भी खर्च बढ़ने के चलते किराए में बढ़ोतरी के संकेत दे चुके हैं। विजय माल्या की एयर डेक्कन में 26% की हिस्सेदारी है। आने वाले दिनों में कई और एयरलाइंस का किराया बढ़ना लगभग तय है। ऐसे में यात्री सस्ते टिकट की तलाश में ही रहेंगे। तो यही है जो फिर हम जो भी सस्ती एयरलाइंस होंगी सब पे चेक करके देखेंगे और उसी हिसाब से अपना ट्रेवल शुरू करेंगे कि भाई कौन सी एयरलाइन सस्ती पड़ती है। अगर कंज्यूमर इज किंग ऑफ हिज चॉइस, अगर बाकी एयरलाइंस हमें अच्छी सुविधा देती हैं और फेयर भी ठीक दे रहे हैं, रीजनेबल फेयर दे रहे हैं, तो नेचुरली वी विल प्रेफर टू ट्रेवल बाई अदर एयरलाइंस। ऑफ सीजन में एयरलाइंस के सस्ते एयर टिकट्स की भरमार होती है, लेकिन पीक सीजन के पास आते ही एयरलाइंस के सारे ऑफर्स हवा हो जाते हैं। ऐसे में कम कीमत पर हवाई सफर का सपना देखने वालों के लिए फिलहाल निराशा ही हाथ लगेगी। असीम मनचंदा, जी बिजनेस, दिल्ली।